बीते दिनों नवापुर में सेवन सी रिसोर्ट पर जिस प्रकार से कार्रवाई हुई, उसके बाद परिवार टूट गया। उन पर कर्ज है 5 करोड़ का, उसे भरने के लिए आर्थिक रूप से पूरी तरह कमज़ोर हो गया, उनकी कमर टूट गई। 11 से 12 लोग जेल के सलाखों के पीछे हैं। तो वहीं कार्रवाई के बाद एक शख्स का नाम बहुत तेज़ी से सामने आया है, वो है सुदेश प्रभाकर चौधरी। इनका नाम सामने क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि इस घटनाक्रम के बाद, कार्रवाई के बाद, मिलिंद मोरे की उस घटना के बाद सबसे पहले प्रतिक्रिया मीडिया में किसी की आई तो वो थी सुदेश प्रभाकर चौधरी। इस पर जनप्रतिनिधियों ने, ग्रामवासियों ने, तमाम लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। और प्रतिक्रिया देने के बाद में जब हमने इस खबर को प्राथमिकता दिखाया तो कई लोगों ने एक पत्र भेजा। ये पत्र सूत्रों के हवाले से हमारे हाथ लगा। इस पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि अमित राणे नाम के इस शख्स ने पत्र भेजा है मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री से जांच की मांग की है और अपनी जानमाल को खतरा बताया है। इसमें साफ तौर पर इसी शख्स का नाम लिया गया है जिसने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी थी। इसमें सुदेश प्रभाकर चौधरी का जिक्र है, साथ ही जिक्र है प्रमोद देसले का। बताया जा रहा है कि अमित राणे 1996 में 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद में अपने उदर निर्वाहन के लिए नौकरी ढूंढ रहे थे। उस दरमियान नौकरी न मिली तो उन्होंने रिक्शा चलाना उचित समझा। उसी दरमियान उनकी भेंट होती है प्रमोद देसले से और प्रमोद देसले ने उनकी मुलाकात कराई सुदेश प्रभाकर चौधरी से। क्योंकि सुदेश प्रभाकर चौधरी उन दिनों बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता थे और उस समय बहुत तेज़ी से काम भी कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने कई सारी इमारतों के निर्माण करने का जिम्मा अपने सर पर लिया था, अपने हाथों पर लिया था। उस दौरान कहना अमित राणे का साफ तौर पर है कि 1999 के आसपास रमा गोविंद नामक इमारत का निर्माण काम चालू हो रहा था। उस दौरान उन्हें बताया गया कि आप ये सारे कागज अपने नाम पर कर लीजिए और एक बसिन कैथलिक में खाता भी खोल लीजिए अपने नाम पर। उसी के चलते उन्हें कहा गया कि आपको अच्छी खासी रकम भी दी जाएगी। इस पत्र के मुताबिक माने तो अमित राणे ने इस पत्र में साफ तौर पर जिक्र किया है कि उन्हें आश्वस्त कर लिया गया कि ये सारी इमारतें और सारा लेन देन बिल्कुल साफ होगा और आप हमारे लिए ही एकमात्र काम कर रहे हैं, समझिए। ऐसे में अमित राणे ने संपूर्ण बात को समझते हुए आगे बात बढ़ाई और उनके पास बसिन कैथलिक में जो खाता खोला गया उसके सारे चेकबुक में हस्ताक्षर करके उनको सौंप दिया। ऐसे में ये विश्वास का पात्र बन गया और विश्वास बढ़ता गया। ऐसे कई सारी इमारतों के निर्माण होते गए और एक दिन 2016 में अचानक इस पूरे बनावटी कागज पर जब कार्यवाही की बात आई तो उस समय अमित राणे को 9 महीने की जेल भी हो गई। इस संपूर्ण मामले को खंगाला गया और माना गया कि अमित राणे गुनहगार हैं क्योंकि लीगल पेपर में उसका ही नाम था, लेन देन में अकाउंट में उसका ही नाम था। ऐसे में अमित राणे फंस गया और उसे जेल भी जाना पड़ा और 9 महीने 2016 के आसपास इस गुनाह के तहत जो आप पत्र में देख रहे हैं उसे 9 महीने का जेल भी हुआ। ऐसे में जेल से जब बाहर आता है अमित राणे तो वो कहते हैं कि आपने हमारे साथ जो किया वो ठीक नहीं था, आपने मुझे पहले नहीं बताया। 2016 के आसपास पूरी घटित घटना के बारे में जब अमित को पूरी जानकारी हुई थी, उसका कहना इस पत्र के अनुसार साफ तौर पर है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, उसके साथ दगा हुआ था, कहीं ना कहीं कईयों के साथ फ्रॉड भी हो चुका था। ऐसे में अमित अपने आप को बचाता कैसे, क्योंकि बात हाथ से निकल चुकी थी। इस पत्र के अनुसार जो पत्र में लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे में सुदेश और प्रमोद ने, दोनों ने उन्हें फिर से कहा कि आप हमारे लिए ठीक से काम करेंगे तो ठीक है, वरना उन्हें धमकी भी दी। धमकी देने वाली बात भी इस पत्र में साफ तौर पर अमित ने प्राथमिकता से दर्शाया है और साफ तौर पर कहा कि अगर इस पूरे मामले को लेकर तुम आगे बढ़ोगे, अगर ज़्यादा आवाज़ बड़े करोगे तो और भी कुछ तुम्हारे साथ हो सकता है। ऐसे में डरे हुए और सहमे अमित राणे ने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले की जाँच मुख्यमंत्री जी करिए और मेरी जान माल को खतरा है। जवळजवळ 1 वर्ष आणि ह्या सगळ्यांपासून जर माझ्या जीवाला कधी काय वाईट झालं किंवा ऍक्सिडेंट झालं, माझ्या जीवाला काहीही झालं तरी सुद्धा हे ह्याची जिम्मेदारी हे सगळे आहे, कारण यांच्या विरुद्ध मी आज बोलतोय तर हे लोक मला काही करू शकतात। सुना आपने, ये थे अमित राणे। अमित राणे की इस बात के बाद एक बात तो साफ है कि इनको अपनी जान के साथ में खतरा महसूस हो रहा है। सबसे भयानक बात तो ये है कि विरार के रामचंद्र नगर की 48 इमारतें, मनवेलपाड़ा के संत नगर की कई इमारतें और स्प्रिंग एवेन्यू जैसी तमाम इमारतें अनाधिकृत तरीके से निर्माण की गई है। ये बात हम नहीं बल्कि ये पत्र साफ साफ तौर पर चीख चीख कर कह रहा है। इसे कागज पत्र पूरी तरह से बनावटी है, इसका जिक्र भी अमित राणे ने इस पत्र में साफ तौर पर किया। अमित राणे ने साफ तौर पर इस पत्र में साफ साफ कहा है कि उनके खाते की पूरी जाँच की जाए, पैसे का लेन देन कहाँ से हुआ है, कैसे आया है, किसने दिया है और किसने लिया है, इसकी पूरी जानकारी ली जाए। इसके अलावा भी ऐसी कई सारी इमारतें हैं जिनको इनलीगल बताया है अमित राणे ने।
उन बातों का जिक्र इस पत्र में नहीं है, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि जुधानी अपार्टमेंट, मोहन रेसिडेंसी, ये तमाम इमारतें हैं जिनको इनलीगल बताकर बताया गया है कि इनके कागज पत्र बिल्कुल बनावट हैं। इसकी पूरी जांच की जाएगी तो बात सामने आएगी, और बात सामने आएगी तो दूर तलक जाएगी, और जब दूर तलक जाएगी तो निश्चित रूप से कार्यवाही में तब्दील हो सकती है। अब सवाल यह है कि जब नवापुर में सेवन सी रिसोर्ट में अनधिकृत पाकर उसे पूरी तरह 13 से 14 घंटे लगाकर उसे तोड़ा जा सकता है, पूरी तरह कार्रवाई की जा सकती है, जिन्हें आरोपी बनाया गया है और जेल में डाला गया है, तो क्या ऐसे पूरे मामले पर मुख्यमंत्री जी को पत्र के अनुसार, पत्र के आधार पर लीगल जाकर इस पूरे मामले में हकीकत क्या है अमित राणे से बात करके संपूर्ण मामले की छानबीन नहीं करनी चाहिए? और अगर करनी चाहिए, जो सत्य है वो निश्चित रूप से लोगों के सामने आना चाहिए। अमित राणे ने जो भी इस पत्र में कहा है वो निश्चित रूप से उस पत्र के आधार पर कार्रवाई या जांच तो होनी ही चाहिए। सच क्या है वो सामने आना ही चाहिए। अब देखना ये होगा कि इस पत्र के उजागर होने के बाद में संपूर्ण तालुके में किस प्रकार की चर्चा होती है, और आने वाले समय में अमित राणे को किस प्रकार की सुरक्षा प्राप्त होती है, या फिर से ये बात ठंडे बस्ते में डाली जाती है। तो दूसरे पार्ट में हम आपको दिखाएंगे कि अमित राणे ने एक वीडियो बनाकर साफ तौर पर क्या कुछ आरोप लगाया, वो भी दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर अमित राणे और क्या कुछ खुलासा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।